Hey guys, welcome back to our channel Delhi Into Ins. We hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो guys, आज हम एक OST पर reaction देने वाले हैं, जिसका नाम है मोहब्बत दाग की सूरत। क्या नाम है यार? मतलब मोहब्बत दाग की सूरत। नाम ही थोड़ा ऐसा लग रहा है यार। बहुत अच्छा नाम लग रहा है यार। मतलब मोहब्बत दाग की सूरत। तो यार चलिए guys, पहले OST को सुनते हैं, साथ में सुनते हैं, enjoy करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मुनीर भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। हाँ यार, काफी नाम है इनका पाकिस्तान में। हमने तो यार वो कहीं दीप जले पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड में। हाँ अब रहा ना सब तन्हा जी ना मुझे। क्या आवाज है, बड़ी प्यारी आवाज। कैसा अंदाज है, कैसा ये राज है। क्या म्यूजिक है यार। अच्छा, इसका मतलब सॉन्ग पे उसके साथ लिरिक्स हैं। तोड़ू ना, ज्यादा स्लो है ना हाँ ज्यादा फास्ट है। फास्ट। सही है, ठीक है। ये दोनों प्यार करते हैं। म्यूजिक भी अच्छा है। क्या लाइन है गाइस, है लकीर बहुत खाली हाथ है। बहुत प्यारी प्यारी लाइन है यार। क्या लाइन है यार, क्या लिरिक्स हैं। खूबसूरती से गई है। हाँ, वही 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 छन की आवाज आ रही है बिल्कुल। हाँ ये दोनों प्यार करते हैं और शायद घर वालों को पता चल जाता है। हाँ शायद इसलिए ये सब हो रहा है। वही हो रहा है। हर कोई मतलब जो भी दिख रहा है ना वो परेशान ही है। बहुत करेक्टर्स हैं, बहुत एक्टर्स, बहुत एक्टर्स हैं। काफी दर्द है। कुछ दे रहे थे क्या इसको? दूध था मैं वो फेंक दे दिया ना। बहुत प्यारी लाइन है ये जो बहुत। हाँ चार लाइन है। म्यूजिक भी काफी बढ़िया है। टाइमिंग है यार। बहुत ही अच्छा है, इमोशनल है ड्रामा। ओएसटी बहुत बढ़िया ओएसटी था यार।
क्या ओएसटी था गाइस, मतलब जैसा नाम है ना मोहब्बत दाग की सूरत, वैसा ही ओएसटी है। नहीं मेरे को तो ये लग रहा है मोहब्बत कर ली तो वो दाग लग गया, मोहब्बत दाग की सूरत मुझे वही लग रहा है, मतलब इन दोनों ने मोहब्बत कर ली तो एक, हाँ सही कह रहा है, दाग लग गया। और मतलब शायद इनके घर वालों को पता चल गया कि ये किसी से मतलब प्यार करती है। समाज वही कह रहा है कि इसने मोहब्बत कैसे कर ली, कैसे कर ली। हाँ वही होता है ना कि समाज कहता है कि दाग लग गया, मतलब समाज फिर कहता रहता है कि हाँ किसके साथ घूम रही है, क्या हो रहा है ये सब, मतलब जो भी है जो बातें करते हैं लोग। मतलब यही समझ में आ रहा है यार, मतलब ड्रामा देख के तो, मतलब एक्टर्स तो बहुत हैं लेकिन सारे परेशान दिख रहे हैं, वो सारे परेशान हैं, सब रो रहे हैं। और ये शायद भाई होते हैं नीलम मुनीर के इस ड्रामे में, जो मतलब ये तोड़ फोड़ करते हैं, जो मतलब बढ़िया था यार, जिनकी वजह से ये रोती है, ये इनके भाई लग रहे हैं इमोशनल। और शायद इन्हें पता चल जाता है कि वो शायद बाहर वालों से पता चलता है किससे, जैसे दिखाया ड्रामा मतलब वीडियो में जो हमें नजर आ रहा है गाइस, हम उसी पर बात कर रहे हैं जितना हमें समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया था। हाँ मतलब इमोशनल ड्रामा है, ड्रामा इमोशनल है, हिसाब से ही ओएसटी है। हाँ और क्या ओएसटी है गाइस, ओएसटी की बात करूं तो निश अशर की आवाज, क्या आवाज, क्या मतलब छन की आवाज आ रही थी। हाँ स्टार्टिंग से ही, इनके पहले भी हम शायद एक ओएसटी कर रखे हैं हमने निश अशर के, गाइस इनकी आवाज नेक्स्ट लेवल है, क्या आवाज है, बहुत बढ़िया, मतलब सुनने का मन करे। और क्या लिरिक्स थे, लिरिक्स भी तोड़ू थे, मतलब क्या कंपोजिशन है, हाथ खाली मतलब लकीरें हाथ खाली, कुछ ऐसी वो लाइन थी, ऐसी लाइन लाइन थी। और जब ये शायद दूध, इन्हें कोई दूध देता है पिलाने के लिए, और वो जब फेंक देती हैं, फेंक मतलब धक्का देती हैं, तो उस टाइम भी काफी बढ़िया लाइन आती है, वो लाइन याद नहीं आ रही बट काफी बढ़िया लिरिक्स है गाइस। वो लिरिक्स है किसके, अब ये पता करना पड़ेगा, नहीं लिरिक्स जिसके भी अब बहुत अच्छे हैं यार गाइस, देखना पड़ेगा किसके हैं। लिरिक्स हैं मुबशीर हसन, सिंगर निशाशर और म्यूजिक कंपोजर नावीद नशाद। यार ये नावीद नशाद और कमर नशाद शायद दो भाई हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं और कंपोज करते हैं, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार, मतलब बहुत अच्छे लिरिक्स ऐसे हैं, वो कर्ज और फर्ज वाली लाइन, कर्ज फर्ज वाली, कर्ज है हाँ हाँ हाँ, हम पे फर्ज है, कुछ ऐसी काफी बढ़िया प्यारी लाइन है पूरे ओएसटी में। मतलब एक तो राइमिंग है गाइस, और राइमिंग की वजह से लिरिक्स काफी बढ़िया है। हाँ राइमिंग की वजह से ओएसटी, ओएसटी हो या सॉन्ग हो कोई भी, वो काफी बढ़िया लगता है, जान आ जाती है उसमें यार, जान आ जाती है और सुनने में काफी अच्छा लगता है। और ये ऐसा ओएसटी है, मतलब इस ओएसटी में दर्द तो है बट जो लिरिक्स है और जिस तरीके से गाया है, मतलब सुनता रहे बंदा, हाँ मतलब सुनने का मन करे, इमोशनल तो है, इमोशनल है, मन कर रहा था सुनने का क्योंकि राइमिंग इतनी बढ़िया थी, लिरिक्स इतने बढ़िया, लिरिक्स काफी बढ़िया थे, और जिस खूबसूरती से गाया है, ओए होए, और क्या कंपोज करा है, काबिले तारीफ है गाइस, सबकी मतलब मेहनत है इसमें, बहुत बढ़िया, क्या कमाल का ओएसटी है गाइस, मजा आ गया सीरियसली, हमने तो यार मतलब काफी एंजॉय करा। और ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या स्टोरी है, फुल स्टोरी। हाँ हमें जितना समझ में आने आपको बताने की कोशिश करिए, बिल्कुल ओएसटी मजेदार था, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस, बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।